बिल्कुल नमस्कार, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं प्रियंका महाराज और बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है जिसका पोस्टर आप सभी देख रहे होंगे और हमारे क्यूट से हीरो जो इनकी लॉन्चिंग है इस सॉन्ग में वीडियो में है तो और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो ये गाना बहुत ही प्यारा बना है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग सभी देखें और फीडबैक दे कि कैसा लगा। तो ये गाना का महत्व क्या है, मतलब ये गाना का जो टाइटल है, अलग अलग टाइटल, तीन तीन टाइटल दिया है। हाँ जी, तो महत्व क्या है आपके नज़र में? आपने गाना किया है लीड एक्ट्रेस से, बिल्कुल बिल्कुल, तो गाना का मतलब मीनिंग्स क्या है? ये इनके ये जो गाना गाया गया है वो हमारे सिंगर भी यही है जो हमारे हीरो हैं, तो मुझे लगता है ये डिटेल हमारे हीरो ही बताएंगे। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा। एक्चुअली इस गाना का जो टाइटल है, पियावा के संगे संगे करेजा तू यारो के मैनेज कैल करा, तो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, लोग अफेयर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस गीत को लिखा गया है और उसको बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है गाने के माध्यम से। तो मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि लोग इस गाने को बहुत प्यार दें और शुभकामना है कि लोग इस गाने को पसंद करें। बहुत ढेर सारे इसको देखने वाले या चाहने वाले जब देखेंगे तो इसको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि म्यूजिकली और लिरिकली बहुत ही अच्छा गाना है ये और इसी संदर्भ में इस गाने को लिखा गया। ये तीनों गाने आपने ही गाए हैं? जी जी जी। तीनों गानों पे क्या भाव है, किस किस मूड पे तीनों गाने हैं और कौन कौन लोग इसमें फीचर कर रहे हैं? एक गोपालगंज के जान हो जो गाना है उसमें फीचर कर रही हैं, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो हैं शिल्पी राज जी हैं और साथ में ग्लोरी महंता जी हैं जो जिन्होंने डांस किया है इसमें, और वोकल्स मेल में मेरी है। और इस गाना में एक्चुअली जो गांव में हमारे यहाँ जो डांस का प्रोग्राम होता है, जो डांस का सब कुछ होता है, जो ऑर्केस्ट्रा जिसको हम लोग कहते हैं, उस माध्यम से इसको दर्शाया गया है जो ये गाना है गोपालगंज के जान। दूसरा गाना एक रोमांटिक सैड सॉन्ग है, प्यार बाकी ख़त्म हो गई। तो उस गाने में एक्चुअली सीन ऐसा है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार के संबंध में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण अब लड़के की उस लड़की से बात नहीं होती है, दूरियां आ जाती हैं। तो उस दूरी को मद्देनज़र रखते हुए गीत के माध्यम से उस प्यार को दर्शाया गया जो उनके बीच में था। दूसरा ये बात है, जैसा आज की तारीख में इंटरनेट जी, यूट्यूब हो या कोई जी, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक नाम है जी जी, जैसा खेसारी हो, बहुत बड़े खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, उनका जब गाना लॉन्च होता है एक दिन में 10 मिलियन चला जाता है जी। तो ये जो ट्रेंड है उस ट्रेंड का बेसिस पे आप लोगों ने गाना बनाया गया? जी जी बिल्कुल, एक्चुअली ट्रेंड को ध्यान में तो रखा ही गया है, साथ में आजकल के ट्रेंड में जो चल रहा है, जो जनरल टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान रख के ज़्यादा इस गाने को बोल को लिखा गया है। और बेसिकली जो आजकल चल रहा है रियल लाइफ में हमारे साथ, आप बाहर देखेंगे बस उसी के अनुसार इस गाने के बोल हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक है। और आप भी सिंगर हो, लेकिन बहुत सारे सिंगर हैं डबल मीनिंग का गाना गा के बहुत बड़ा सिंगर बने, जैसे नील कमल, मैं नाम लेके बोलता हूँ, नील कमल के सरी लगे यादव पहले पहले डबल मीनिंग से गाना लेके उन लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्थान बनाया, एक अपना जगह बनाया जी। तो आप कभी सोचा कि मैं भी ऐसे डबल मीनिंग का गाना करूँ और ऐसा करके? नहीं सर, कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि किसी को देख के और उनके भावना को कैच करे, अपने भावना को ज़्यादा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और कोशिश बस यही करते हैं कि जो भी गाना गाते हैं उसमें अपना फील डालने का ज़्यादा कोशिश करें, रैदर देन किसी और के फील को कैच करें। तो इससे कहीं ना कोई ताल्लुकात नहीं है सर, कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं लिया है। अगर गाने में सुनने की बात की जाए तो मैं पवन सिंह जी को ज़्यादा सुनता हूँ, उनके गाने मुझे ज़्यादा पसंद है। खेसारी जी के भी पसंद है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा सर कि लिरिकली मीनिंगफुल गाने जो होते हैं
जो जज्बात होते हैं, जो दिल तक पहुंचते हैं, वो पवन सिंह जी में ज्यादा है। और नीलकमल के ऊपर क्या आप, आपका अगर कमेंट चाहिए नीलकमल के ऊपर क्या कहेंगे आप? उन्होंने सर अपने समय में अपने ट्रेंड को देखते हुए गाना गाया, और जैसा होता है ऑब्वियसली सर, ट्रेंड को लेके आप नहीं चलिएगा तो आप वो स्ट्राइक को गेन नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेंड के साथ चलना भी जरूरी है। मतलब इसमें आप सेज पे जो आप अश्लीलता पे जो मतलब आप आपको आगे बढ़ने नाम कमाने के लिए आपको कुछ भी कर, टैलेंट कोई काम नहीं है। नहीं सर, ऐसा यहाँ पे कोई टैलेंट काम नहीं करता, अश्लीलता बेचो और सब करो, यही है क्या भोजपुरी में? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली आप देखते भी तो वही है ना, पसंद भी तो वही करते हैं। एग्जैक्टली सर। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर ठीक है मैंने गलत गाया, ठीक है, तो आप क्यों सुन रहे हैं, आप क्यों देख रहे हैं, क्यों व्यू उसी गाने के हैं? जो राम लक्ष्मण सीता गा रही है वो क्यों नहीं सुन रहे, उसके व्यू क्यों नहीं जा रहे? तो आप किसी आर्टिस्ट को या सिंगर को ब्लेम नहीं कर सकते ये चीज़ों पे। ऑडियंस को आप ब्लेम कर दो, पर ऑडियंस को जो देखना चाहते आप सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप उसकी बुराई भी कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो आप एक मुद्दे पे रहिए ना, या तो आप मत सुनिए। जी नहीं, अभी फिल्म को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, अभी पूरा फोकस मेरा गाने को लेकर ही है। मैं एक्चुअली गाने को ही लेकर अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा फुल फोकस गाने पे ही है। गोपालगंज पर आपने भाई साहब गाना बनाया है, आप पटना पे बना सकते थे, आरा पे बना सकते थे, छपरा पे बना सकते थे, किसी और जिले पे बना सकते थे। गोपालगंज पे बनाया, कोई खास लगाव गोपालगंज से आप? जी सर, गोपालगंज मेरे दादी जी का घर है, तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए गोपालगंज मैंने चूज़ किया। अब तक कितने गाने आपके आ चुके हैं और किस तरह का रेस्पॉन्स उसे लोगों से मिल रहा है? सर अभी तक तो एक दुर्गा पूजा में एक गाना आया हुआ था सर, मेरा एक ही गाना अभी तक आया हुआ है, दुर्गा पूजा में आया था, और क्योंकि उसके अच्छे से प्रमोशंस वगैरह नहीं हुए थे, तो और नए कलाकार होते हुए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो फिर भी रिस्पॉन्स ठीक ठाक है सर। प्रियंका जी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको कहा नहीं आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं सबसे पहले। थैंक यू सो मच। धीरज जी के आवाज पर, धीरज जी के गानों पर आपने एक्ट किया है, कैसा था आपको ओवरऑल इनके काम करने का, ये कैसे गायक हैं, क्योंकि अभी इनकी शुरुआत ही है, आपने काफ़ी सारा काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली बहुत ही क्यूट है, स्वीट है, और मुझे लगता है कि सब एक दिन फ्रेशर होता है और कहीं ना कहीं आगे जाके वो स्टार बनते हैं, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हमारी ऑडियंस और जो इनके साथ काम करते हैं उन सभी को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। जो कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, जहां से आप उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, आप न्यूली स्टार्टेड है, हालांकि अभी इनके लिए भी बड़ा इनिशियल है, बहुत सारा लंबा रास्ता इन्हें तय करना है, उम्मीद नज़र आती है इस? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मेहनत करने की, इनको क्या मतलब, सभी लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, आप जो भी कर रहे हैं मेहनत के दम से ही आगे जाएंगे और ऑडियंस आपको पसंद करेगी, तो बस आप काम पे फोकस करिए, बाकी तो रिजल्ट मिलना ही है। आज साड़ी में आए तो मतलब क्या है, मतलब कुछ सोच के आई क्या साड़ी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली सूट पे ये साड़ी ही बची थी, तो मैंने सोचा मैं यही पहन लेती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। आपने पहले भी एल्बम किए हैं, आल्टर्स एल्बम पहले किया पीछे, हाँ जी, लेकिन इस जो एल्बम में काम करने का जो तरीका था, मतलब जो शूटिंग टाइम में कुछ ऐसा, मतलब ऐसा एक चीज़ बताइए, शूटिंग टाइम में आपको एक याददाश्त हुआ रहेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके, और कहीं ना कहीं मेरी बॉन्डिंग बन जाती है सबके साथ, तो मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन इनके साथ एक चीज़ थी कि जब जो डांस मास्टर थे वो जब प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो ये बोले थे नहीं नहीं मैं टच नहीं करूँगा मैं टच नहीं करूँगा, मैं दूर से ही करूँगा, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मुझे इनकी, तो बहुत ही स्वीट है, मैं यही कहूँगी। और आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन सा है भोजपुरी सिनेमा के अंदर? ऑफ कोर्स पवन, शानदार सिंगर आपको कौन लगते हैं भोजपुरी सिनेमा में, मुझे ही बताएं। एक्चुअली ऑफ कोर्स पवन सिंह जी, और इनका भी बहुत ही, जब मैंने गाना सुना तो गायकी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, और मैंने किया वो गाना सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है ये मेहनत करेंगे बहुत आगे जाएंगे। सर आपसे एक सवाल है कि आप सिंगर कब से बन गया है, मतलब आप बचपन से आप सोचे थे कि मैं सिंगर बनूं, एक्टर बनूं,
तो आप कब से ऐसा सोचा था? सर एक्चुअली जब से मतलब एक फेज़ होता है जब चीज़ें लोग समझने लगते हैं तब से मेरा गाने में रुझान रहा है और मैं काफ़ी गाने में मैं दिलचस्पी रखता हूँ तब से ही सर। एक पवन सिंह जी का गाना है बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, मैं चाहूँगा कि उसके दो लाइन आपके लिए जरूर गुनगुना दूँ। आवे ननिंदिया उड़ेला हवाई करी नाही काम कोनो सुई दवाई पिरतिया में सब कुछ लुटा जाला जब केहू दिल में समा जाला जब केहू दिल में समा जाला। सत्रह तारीख आज कल ये गाने रिलीज़ होंगे सुबह में और दर्शकों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो ढेर से ढेर सारा प्यार अपना इस गाने को दे और मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं और मेहनत करूँ, अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट में लिखें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दे इस गाने को, मैं बस यही दर्शकों से चाहूँगा। प्रियंका आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक बार ज़रूर ही ये गाने सुने और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे लगता है कि ये गाना एकदम बूम करेगा, तो बस यही कहूँगी कि इस गाने के पूरी टीम को ऑल द बेस्ट और खास करके इनको। थैंक यू। वो गाना हम लोग डाल देंगे।